हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं एक आपका छोटा सा डाउट कवर करने वाला हूँ। डाउट तो वैसे छोटा है लेकिन उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और वो डाउट ये है कि इंटरव्यू में हम हिंदी में बात कर सकते हैं क्या? सर, इंग्लिश में तो अपुन की वाट लगे ली है, समझ में नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं है, एक आध बार किसी अनप्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बात कर लूँगा, लेकिन प्रोफेशनल सेटअप होगा वो क्या करें? इसके लिए एक सिंपल सा जवाब आपको देता हूँ। यस, एवरी इंटरव्यू में स्टूडेंट्स कन्फ्यूज रहते ही रहते हैं, बिकॉज क्लियरली मेंशन होता नहीं है कभी। दो तीन चीज़ें देखो, कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे आके पूछते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम, ठीक है, कभी कभी पता चल जाता है, कभी कभी नहीं पता चल जाता है। लेकिन कभी नहीं पता चलता है कि आंसर्स ऐसे आते हैं कभी कभी कि आप इंग्लिश में ही बात करो, तो थोड़ा डर और बढ़ता है। मैं आपको क्लियर कर आपको आइडिया देता हूँ। इंटरव्यू में क्वेश्चन अगर इंग्लिश में आए, तो मान लो अभी आपने हिंदी में जवाब दिया उसका, ठीक है, ये तरह तरह की पॉलिसी होती है वगैरह वगैरह। अब दूसरा क्वेश्चन अगर हिंदी में आता है तो समझ लो आपका काम हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा, आपने हिंदी में जवाब दिया, दूसरा क्वेश्चन हिंदी में उसने पूछा, तो आपका काम हो गया। लेकिन मान लो दूसरा भी क्वेश्चन अगर इंग्लिश में आता है, ठीक है, तो उनसे आप इतना ही कह सकते हो कि सर, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश बट आई एम मोर कम्फर्टेबल इन हिंदी, सो कैन यू प्लीज़ अलाउ मी टू स्पीक इन हिंदी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन बेटर। ये दो तीन सेंटेंस इंग्लिश में छोटे से डाल दो, इतनी इंग्लिश सभी को आती है, लेकिन पूरी इंग्लिश के बाद पे तो लोग अक्सर भाग जाते हैं, ओके, कि पता नहीं चलता उनको सेंटेंस हम कैसे करना है। और ये सेंटेंस बोलने के बाद डेफिनेटली विल अलाउ यू, ओके। एक चीज़ याद रखो, इंटरव्यूअर आपको आपसे ऑक्सफर्ड इंग्लिश नहीं चाहता है, ठीक है, वो आपकी इंग्लिश देख के अंदाज़ा लगा भी सकता है। मेन चीज़ है आपका उसका फोकस जो रहेगा आपके आंसर्स पे रहेगा, ठीक है। तो कोई टेंशन मत लेना, हिंदी में अलाउ कर सकते हैं, करेंगे आपको, ठीक है। जनरली ये बातें इंटरव्यू में जाने से पहले ही होती है, या एक दो चीज़ें ऐसी होती है कि वो लोग इंटरव्यू के टाइम पूछते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का डाउट ये था कि सर ऐसा कुछ पूछे ही नहीं, हमें पता ही नहीं है इंटरव्यू रूम में जाने से पहले क्या होने वाला है, तो किस तरीके से डायरेक्टली बात, इस तरीके से करो, कोई बात नहीं। मान लो एक वो मजाक मजाक में ऐसे ही पूछ ले कि यू आर नॉट कम्फर्टेबल इन इंग्लिश, तो आप इतना ही बोल सकते हो कि यस सर आई कैन स्पीक बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल टू स्पीक फॉर कंटिन्यूस आवर्स और समथिंग, वो समझ जाएगा। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं, आपके आपके पास आंसर पुख्ता है, अच्छे से बता सकते हो, तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा अपडेट जाना था, विश यू ऑल द बेस्ट। और अभी रिलैक्स रहना, अपने इंटरव्यू के क्वेश्चन पर काम करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।